September we met, I could tell by your smile. रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब हैरियत से होंगे। वेलकम टू प्रीजास किचन। आज मैं आपके साथ प्रीजास किचन में बहुत ही मज़े का ठंडा ठंडा दूध सोडा है जो उसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। वैसे तो हम दूध सोडा पीते ही रहते हैं, लेकिन आज मैं जो बनाने लगी हूँ वो बहुत स्पेशल है और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा और इसकी जो रेसिपी है वो भी डिफरेंट होगी। गर्मियों में इसका बहुत ही मज़ा आता है और कह लें कि ये पियेंगे तो आपकी गर्मी भी सारी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो चलें जी फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दो ग्लास दूध को बॉईल करने के लिए रखा है और उसके अंदर मैं दो इलायचियाँ डाल दूंगी, ऐसे ही खोलनी नहीं है, और तीन चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। और इसको बॉयल आने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप है जो इसका वो बताती हूँ। आप देख सकते हैं कि इधर दूध को बॉयल आ गया और इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर जो है 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करूंगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा। आप यकीन करें, आप कहेंगे कि हमने यही दूध सोडा पीना है। अब मैं इसी तरह दूध को मैंने 2 से 3 मिनट ऐसे ही बॉयल दिलाया और अब मैं इसको फ्लेम को ऑफ कर दिया मैंने और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तकरीबन 10 से 15 मिनट में दूध हमारा ठंडा हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप है जो अब मैं इस जूसर के अंदर इस दूध को डाल रही हूँ जो मैंने चीनी इलायची और मिल्क पाउडर डाल के बनाया। और मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने इधर जो इलायचियाँ 2 डाली थी वो मैंने निकाल ली हैं और अब इसके अंदर मैं डालूंगी सोडा। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं अब नाम नहीं लेना चाहती, आपको पता है सोडा का, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं वाइट कलर का। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी आइस ऐड कर रही हूँ, बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला। अब मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से हमारा दूध सोडा जो है वो तैयार हो चुका है। मैं इसे ग्लास में डाल के आपको दिखाती हूँ। इंशाल्लाह ताला बहुत ही मजे का, आप भी ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। माशाल्लाह से ठंडा ठंडा दूध सोडा जो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही थी कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही देखिए मजे का लग रहा है। और इसको मैं आपको पी के भी दिखाती हूँ, आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और इसी तरह ट्राई करिएगा। मैं आपको पी के बताती हूँ। बहुत ही मज़े का बना है। इलायची की खुशबू आ रही है, इसमें मिल्क पाउडर जो हमने डाला है उसका जायका आ रहा है, तो आप भी ट्राई करिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।